नमो नमः। आज हम कक्षा 10 की विज्ञान का दूसरा चैप्टर लेंगे। दूसरे पार्ट के अंदर जो अंक बाहर है वो 6 है। इस दूसरे पार्ट का नाम है मानव तंत्र। मानव तंत्र में विभिन्न प्रकार के तंत्रों को हम शामिल करते हैं। ये विभिन्न प्रकार के तंत्रों का अध्ययन हम करेंगे इस पाठ के अंतर्गत। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, इसी प्रकार से जनन तंत्र है, उन सब का हम अध्ययन करेंगे। लेकिन आज हम सबसे पहले लेते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र अर्थात तंत्र। तंत्र से अभिप्राय होता है कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए ऊतक होते हैं। उन ऊतकों का जो समान कार्य होता है, उन ऊतकों को एक अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। वो विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं और वो विभिन्न अंग मिलकर के किसी एक तंत्र को निर्मित करते हैं। इसी प्रकार के तंत्रों में सबसे पहले हम पाचन तंत्र की बात करते हैं। तो पाचन तंत्र के अंदर विभिन्न प्रकार के अंग मिलकर के इस पाचन तंत्र को पूरा करते हैं। जैसे सबसे पहले इसके महत्वपूर्ण अंगों में मुख है, ग्रसनी है, ग्रासनाल है, आमाशय है, छोटी आंत्र है, बड़ी आंत्र है और मल द्वार है। जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन को ग्रहण करने के बाद में जो संपूर्ण क्रियाएं, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जल अपघटन की क्रियाएं होती है, अवशोषण की क्रियाएं होती है और लास्ट में उत्सर्जन का कार्य होता है, जो इस मल द्वार के द्वारा किया जाता है। इसी पाचन तंत्र के इन अंगों के स्थिति के आधार पर हम देखें कि किस प्रकार से हमारा पाचन तंत्र बना हुआ होता है। यहाँ एक डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से इसके विभिन्न अंग कहाँ कहाँ पर मौजूद होते हैं और मिलकर के एक कार्य को करते हैं। पाचन तंत्र का अगर हम कार्य देखें तो इस पाचन तंत्र का कार्य यही होता है कि ये विभिन्न अंग मिलकर के भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, भोजन के जो बड़े अणु होते हैं उनको छोटे अणुओं में अपघटन का कार्य किया जाता है। भोजन के पाचन की जो क्रिया होती है, उस पाचन की क्रिया के अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइम सक्रिय होकर के उसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ करके अवशोषण का कार्य इस संपूर्ण भागों के द्वारा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्य संपन्न करवाया जाता है। अब इसी में यदि हम इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में आपको देखने को मिलेगा कि मुख वाला भाग है। मुख वाले भाग के अंदर यदि हम अंदर की तरफ देखें तो मुख गुहा है। जब भोजन हम मुख में ग्रहण करते हैं तो इस मुख के गुहा के अंदर वो प्रविष्ट हो जाता है। मुख गुहा की बात करें तो मुख गुहा में विभिन्न प्रकार की संरचनाएं हम देख सकते हैं। जैसे जीभ है, इस जीभ को यदि हम देखें तो इस मुख गुहा के अंदर पीछे वाला जो भाग होता है, उस भाग के अधरीय भाग में एक फ्रेंगुलम संरचना होती है, उसके द्वारा ये जीभ उसमें स्थिर रहती है। अब इस जीभ की अगर संरचना को हम देखें तो एक मांसल भाग होता है और इसका कार्य क्या होता है, जब मुख गुहा में भोजन आ जाता है तो उसको दांतों के द्वारा जब चबा दिया जाता है तो इस जीभ के द्वारा उसको अंदर की तरफ धकेला जाता है। अंदर की तरफ मतलब जो ये संपूर्ण भाग है जिसको हम आहार नाल से जानते हैं, उस आहार नाल का अगले भाग में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। जीभ हो गया। जीभ के अलावा अगर हम इस भाग में देखें तो हमारे यहाँ मुख के अंदर दांत मौजूद है। उन दांत को यदि हम देखें तो किस प्रकार से उनकी व्यवस्थाएं नजर आती है। इन दांतों को चार भागों में बांटा गया है, इनसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। जब हम मुख गुहा की बात करते हैं तो ऊपरी तालु और निचला तालु, दो प्रकार के तालु वाले भाग मौजूद है। ऊपर वाला भाग होता है वो कुछ कठोर होता है, नीचे वाला जो होता है वो कुछ लचीला होता है।
कठोरपन उसमें नहीं होता। जब तालू के अंदर हम देखते हैं कि जबड़े जैसी संरचनाएं मौजूद है, ये जबड़े ऊपरी जबड़ा और निचले जबड़े दो भागों में बटा हुआ है। ऊपरी जबड़ा हमेशा स्थिर रहता है जबकि निचले जबड़े में मूवमेंट होता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं हम इसको घुमा सकते हैं। इस जबड़े के अंदर ही यदि हम दांतों की व्यवस्थाओं को देखें तो ये चार प्रकार से दांतों की व्यवस्थाएं मौजूद रहती है। इन जबड़ों के अंदर एक मसूड़े जैसी संरचना होती है जो एक कैविटी के अंदर उस दांत को फिक्स रखती है। उन दांतों में इनसाइजर में देखें तो चार ऊपरी जबड़े में होते हैं, चार नीचे वाले जबड़े में होते हैं। इन दांतों का कार्य होता है भोजन को चबाना, काटना, उसको तोड़ना छोटे छोटे टुकड़ों में, चार ऊपर वाले में और चार नीचे वाले में। केनाइन को अगर हम देखें तो दो दो की संख्या में मौजूद होते हैं, दो ऊपरी जबड़ों में, दो नीचे वाले जबड़ों में। ये जो केनाइन दांत होते हैं ये चीरने फाड़ने का कार्य करता है, चीरने फाड़ने का कार्य कर रहा है। मोस्टली ये मांसाहारी जंतुओं में पाए जाते हैं, मांसाहारी जंतुओं के काम में आते हैं, सभी जंतुओं में पाए जाते हैं, सभी वर्ग के जो प्राणी होते हैं उनमें मौजूद होते हैं, लेकिन मांसाहारी जंतुओं में ये मुख्यतः काम में लिए जाते हैं। प्रीमोलर का संख्या जो है वो भी चार चार होते हैं, चार नीचे वाले में, चार ऊपर वाले में। मोलर को अगर हम देखें तो छः छः की संख्या में मौजूद होते हैं, जिनको हम जाड़, मोस्टली हम अपनी आम भाषा में दाढ़ बोलते हैं। इनका कार्य भी चबाने का होता है, उस भोजन को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में चबाने का कार्य किया जाता है। दांत की स्थिति और उनकी उपस्थिति के आधार पर हम देखें तो मनुष्य को द्विबार दंती कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक बार जो मनुष्य है, जो उसके शिशु अवस्था होती है 6 महीने की, उस समय दांत आने प्रारंभ होते हैं, उनको हम दूध या दांत बोलते हैं। कुछ समय के बाद में लगभग पाँच साल की उम्र के बाद में वो दांत गिरने शुरू हो जाते हैं, फिर उसमें स्थायी दांत की पुण्य है उत्पत्ति होती है। तो ये दांतों की स्थिति हमने जानने की, किस प्रकार से ऊपरी और निचले जबड़ों में दांत की संख्या पाई जाती है। टोटल अगर दांत की संख्या को देखें तो टोटल 32 दांत होते हैं, 16 ऊपरी जबड़े में और 16 नीचे वाले जबड़े में। ये मुख के अंदर दांत की स्थिति हमने जानी। इसी प्रकार से यदि हम मुख से आगे की तरफ बढ़े तो इसके अंदर एक ग्रसनी जैसी संरचना मौजूद होती है। ये ग्रसनी भोजन को, जब जीभ के द्वारा मुख गुहा से भोजन को आगे की तरफ धकेला जाता है तो ग्रसनी वाला भाग होता है वो इस भोजन को ग्रहण करने का कार्य करता है। अब भोजन उस ग्रसनी में जाता है, उस समय इसके अंदर एक विशेष संरचना मौजूद होती है जो कि उस ग्रसनी को दो भागों में डिवाइड करती है। एक तो वो भाग जो नासा द्वार से जुड़ा रहता है, एक वो भाग जो इस आहार नाल से विशेषकर जुड़ा रहता है। इन दोनों को पृथक करने के लिए एक विशेष संरचना इस पर पाई जाती है, उस विशेष संरचना के आधार पर इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। अब इसके अंदर यदि हम देखें कि ग्रसनी के तीन भाग बताए गए हैं, एक तो है नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और तीसरा है अधोग्रसनी। नासाग्रसनी नाक से कनेक्शन होता है, मुख ग्रसनी मुख वाले भाग से कनेक्टेड रहती है, अधोग्रसनी ग्रसनी का अंतिम भाग होता है। इस प्रकार से ये ग्रसनी आगे ग्रसिका या ग्रस नलिका होती है उसमें खुलती है, ये वाला भाग ग्रास नली से जुड़ा रहता है। तीसरी जो इसकी महत्वपूर्ण संरचना है वो है ग्रास नलिका। इस ग्रास नलिका में जब भोजन इस ग्रसनी से होता हुआ आता है तो नेक्स्ट इस आहार नाल की संरचना को हम ग्रास नली कहते हैं। इस ग्रास नली के अंदर
कुछ विशेष कार्य किए जाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर ये छोड़ दिया कि मुख गुहा है उसके अंदर लार जैसी संरचना, लार जैसा रासायनिक पदार्थ होता है, उसमें कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जैसे टाइलिन, टाइलिन है, एमाइलेज है, ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि भोजन के अंदर उपस्थित पॉलीसेकेराइड्स होते हैं उनको छोटे सेकेराइड्स में तोड़ने का कार्य अर्थात डाइसेकेराइड में तोड़ने का कार्य किया जाता है। स्टार्च का कुछ पाचन यहाँ पर हो जाता है, लगभग 40% स्टार्च का पाचन इस भाग के द्वारा, कौन से भाग के द्वारा, मुख गुहा के अंदर लार के द्वारा कर दिया जाता है। अब जब यहाँ से ये भोजन एक श्लेष्मिक भाग होता है, उस लार के अंदर ये श्लेष्मिक भाग पाया जाता है जो उस भोजन को दांतों के द्वारा चबाने के बाद में उसको लस लसा बना करके आगे ग्रसनी ग्रसनी में छोड़ा जाता है। ग्रसनी से फिर वो ग्रास नलिका में आता है। ग्रास नली में जब भोजन पहुंच जाता है उस समय इस ग्रास नली के अंदर भी कुछ विशेष संरचनाएँ होती है, कुछ विशेष कार्य होते हैं जो कि इसके द्वारा संपन्न करवाया जाता है। ये ग्रास नलिका लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। ग्रास नलिका यहाँ से यहाँ से प्रारंभ होकर के अपने ये जो फेफड़े और होते हैं इनको भेदते हुए, इनके नीचे डायफ्राम होता है, डायफ्राम को भेदते हुए नीचे उदर गुहा में पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद में इसका कनेक्शन जो अमाशय का भाग होता है वहाँ से इसका कनेक्शन हो जाता है। इस ग्रास नलिका से जब भोजन आगे की तरफ भेजा जाता है तब इसके अंदर कुछ अवरोधनी, अवरोधनी का मतलब क्या होता है कि कोई भी पदार्थ है उसको कितनी मात्रा में आगे की तरफ भेजा जाना है, फिर वहाँ पर उस पर अंकुश लग जाता है कि आगे उस पदार्थ को नहीं भेजा जाएगा जब तक कि आगे से किसी प्रकार की क्रिया को प्रारंभ करने की सूचना ना प्राप्त हो जाए। जैसे ही आगे की तरफ भोजन और आगे बढ़ जाता है तो ये अवरोधनी वाला मार्ग है वो वापस खुल जाता है और भोजन फिर और मात्रा में नीचे की तरफ भेज दिया जाता है। तो ये जो कार्य होता है ये एक विशेष संरचना के द्वारा होता है जिसको सैमवर्णी पेशियां कहा जाता है। सैमवर्णी पेशियां का मतलब कि वो क्रिया को नियंत्रण कर सकती है, किसी भी भाग के अंदर किसी भोजन को या किसी सामग्री को भेजना होता है तो उसकी गति को निर्धारित करने में सहायता प्रदान करती है, ये इसके द्वारा किया जाता है। अर्थात क्रमांकुंचन गति के माध्यम से, क्रमांकुंचन गति होते हुए यहाँ से भोजन अमाशय की तरफ धकेल दिया जाता है। क्रमांकुंचन का मतलब कि इस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ते हुए क्रम में इस भोजन को आगे अमाशय तक भेज दिया जाता है। फिर आगे संरचना आती है इसकी अमाशय, अमाशय के तीन भाग होते हैं, आगे बड़ा सा भाग, फिर पीछे का ये छोटा भाग, बीच का जो भाग होता है वो इसका महत्वपूर्ण भाग होता है। जब ग्रास नली से भोजन आमाशय की ओर आता है तो आमाशय की जो संरचना है वो लगभग जे आकार में होती है, जे आकार में आमाशय पाया जाता है। इस आमाशय के अंदर भी अगर हम देखें तो इसको भी तीन भागों में विभक्त किया गया है। ये वाला भाग जो इस ग्रास नलिका से जुड़ा रहता है इसको जठर आगम कहा जाता है। ये बीच वाला भाग जो इसका फुला हुआ रहता है उसको हम फंडिस बोलते हैं, और ये जो इसका अंतिम भाग होता है जो छोटी आंत से जुड़ा रहता है, छोटी आंत का जो प्रारंभिक भाग होता है जिसको हम ग्रहणी कहते हैं वहाँ से जुड़ा रहता है, ये वाला भाग इसका जठर निर्गम वाला होता है। अर्थात इसमें तीन भाग हो गए, जठर आगम, बीच वाला फंडिस और तीसरा जठर निर्गम, ये तीन भाग इसमें मौजूद रहते हैं। जब भोजन यहाँ पर आता है तो काफी समय तक यहाँ पर भोजन टिका हुआ रहता है।
इस आमाशय की संरचना को देखें तो एक थैलेनुमा संरचना होती है जिसके अंदर कोई भी पदार्थ आ रहा है, कोई भी सामग्री आ रही है तो ये फैल जाता है। फैलने का मतलब कि इसके अंदर शिथिल होने की क्षमता होती है। ये लगभग एक बार में 3 लीटर तक भोजन को अपने अंदर समाहित करके रख सकता है। कुछ समय तक भोजन यहाँ पर रुका हुआ रहता है। अब आगे इसी की आगे की संरचना को हम देखें तो यहाँ से फिर भोजन आमाशय से आगे की जो संरचना है वो भोजन को आगे भेजने के लिए छोटी आंत की व्यवस्था रहती है। छोटी आंत नाम से तो है छोटी आंत, लेकिन इस आहार नाल की सबसे बड़ी संरचना होती है जो लगभग 7 मीटर तक लंबी होती है। ये जो छोटी आंत्र होती है ये इस आहार नाल में इस प्रकार से सम्मिलित रहती है, अर्थात कम क्षेत्र में ये अपने आप को यहाँ पर स्थित कर लेती है। इस छोटी आंत्र के भी 3 भाग होते हैं। ग्रहणी, जो कि इस आमाशय से जुड़ने वाला भाग होता है जिसको हम ग्रहणी कहते हैं। फिर आता है इसका अग्र छुद्रांत्र, यानी छोटी आंत का आगे का भाग, और फिर आता है पश्च छुद्रांत्र, ये इसका 3रा भाग होता है। ऐसी संरचनाओं को यदि हम देखें, इस छोटी आंत्र की संरचना को यदि हम देखें तो ये 3 भागों में बटी हुई है, ग्रहणी, अग्र छुद्रांत्र और पश्च छुद्रांत्र। सबसे महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है पाचन से संबंधित, जिसमें कुछ एक एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम्स भोजन को पचाने का कार्य प्रारंभ कर देते हैं। अग्र छुद्रांत्र में सर्वाधिक पाचन की क्रिया होती है और फिर पश्च छुद्रांत्र के द्वारा भी पाचन की क्रिया में कुछ सहायता प्रदान की जाती है। इसके बाद में आती है बड़ी आंत, बड़ी आंत्र छोटी आंत्र से छोटी होती है, लगभग 1.3 मीटर लंबी होती है। इस बड़ी आंत्र को भी यदि हम यहाँ पर देखें कि किस प्रकार से ये छोटी आंत्र है जो अंदर की तरफ सम्मिलित रूप से है, ये बड़ी आंत्र है जो कि छोटी आंत्र के अंतिम जो भाग होता है जिसको हम पश्च छुद्रांत्र कहते हैं, वहाँ से इसका प्रारंभिक भाग जुड़ता है बड़ी आंत्र का, और वो प्रारंभिक भाग जब जुड़ करके इसको छोटी वाली आंत को ऊपर से इस प्रकार से घेर करके फिर ये मल द्वार द्वारा इसको हम इंगित कर सकते हैं। अब इस बड़ी आंत्र को यदि हम देखें तो बड़ी आंत्र में भी 4 भाग दिखाई पड़ेंगे। एक तो इस प्रकार से खड़ी हुई स्थिति, इसको हम बोलते हैं आरोही, आरोही बड़ी आंत्र। दूसरा इस प्रकार से ये लेटा हुआ भाग, इसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ। तीसरा इसका इस प्रकार से नीचे होता हुआ भाग, इसको हम बोलते हैं अवरोही बड़ी आंत्र, और ये यहाँ पर इस प्रकार से सिग्मोइड प्रकार से मौजूद होती है, उसको हम बोलते हैं सिग्मोइड बड़ी आंत्र। इस प्रकार से इस आंत्र के भाग डिवाइड किए गए हैं। इस बड़ी आंत्र के अंदर भी अगर हम देखें तो विभिन्न प्रकार की संरचनाएं मौजूद होती है, जैसे बड़ी आंत्र का प्रारंभिक भाग होता है उसको हम बोलते हैं वृहद आंत्र, और दूसरा भाग होता है मलाशय।
वृद्ध अंत्र के द्वारा, बड़ी अंत्र जो होती है उसका ये वाला जो भाग होता है वृद्ध अंत्र वाला, इसके द्वारा जल की अधिकांश मात्रा को अवशोषित कर लिया जाता है। मलाशय जब पचित भोजन का, पचित भोजन में से जल है, खनिज लवण है, उनको जब अवशोषित कर लिया जाता है, जल की अधिकांश मात्रा यहाँ अवशोषित हो जाती है, बाकी जो बचा हुआ अपशिष्ट कारक है वो ठोस के रूप में इस मलाशय में आ जाता है, और फिर ये लास्ट में इसका जो मल द्वार होता है इस आहार नाल का, उसके माध्यम से बाहर की तरफ उत्सर्जित कर दिया जाता है। अब ये उत्सर्जन की क्रिया होती है वो दो प्रकार की, जो संवर्णी कोशिकाएं होती है उनके द्वारा किया जाता है, जो अंतः और बही दो प्रकार से कार्य करती है, संकुचन का कार्य जो कि मलाशय से मल को बाहर की तरफ उत्सर्जित कर देती है। इस प्रकार से हमने देखा कि ये हमारा जो पाचन तंत्र है इसमें विभिन्न प्रकार के अंगक मौजूद होते हैं और वो विभिन्न अंग मिलकर के अपने शरीर के अंदर पाचन की क्रिया को संपन्न करते हैं। अब आगे हम इसके पाचन की क्रिया को लेते हैं कि किस प्रकार से पाचन की क्रिया सहायक होती है। इसमें हमने देखा ये वाला जो भाग होता है बड़ी आंत्र का, बड़ी आंत्र का जो प्रारंभिक भाग जो छोटी आंत्र से जुड़ा रहता है, छोटी आंत्र का जो अंतिम भाग होता है वहां से बड़ी आंत्र प्रारंभ होती है। इस बड़ी आंत्र का जब छोटी आंत्र के द्वारा जुड़ाव होता है वहां पर अंदर से इस प्रकार से एक संरचना पाई जाती है, इसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स या परिशेषिका, अपेंडिक्स अतिरिक्त अंग होता है जो प्रत्येक मनुष्य में पाया जाता है। मोस्टली हम सुनते हैं कि अपेंडिक्स का दर्द हुआ है तो वो क्यों होता है, जब इसमें अपशिष्ट कारक आकर के जमा हो जाते हैं तो इसका आकार बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। ये मांसल भाग होता है, जब इसको शरीर से पृथक कर दिया जाता है तो ये जो इसमें फूलने की क्रिया है वो रुक जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, इसलिए ये मोस्टली हटा दिया जाता है। इसका इस पाचन क्रिया में कोई भी रोल नहीं होता है, ये एक अतिरिक्त अंग होता है। यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से ये विभिन्न अंग मिलकर के इस कार्य को कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत यदि हम देखें तो इसमें कुछ एक ग्रंथियाँ होती है जो कि इस पाचन की क्रिया को संपन्न करवाने में सहयोगी होती है, जैसे यकृत है, लार ग्रंथि है, अग्नाशय। यकृत जो कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी एक ग्रंथि होती है, ग्रंथियां दो प्रकार की होती है, एक तो होती है अंतःस्रावी, एक होती है बहिःस्रावी। अंतःस्रावी का मतलब होता है कि जो नलिका विहीन होती है और अपने स्राव को, रासायनिक पदार्थ को स्रावित करके डायरेक्ट वो ब्लड में सप्लाई कर देती है, डायरेक्ट ब्लड में भेज देती है। दूसरा होता है बहिःस्रावी, बहिःस्रावी का मतलब होता है कि अपने जो स्रावित रासायनिक पदार्थ होता है उस रासायनिक पदार्थ को वो नलिकाओं के माध्यम से किसी विशेष अंग विशेष भाग तक पहुंचाने का कार्य करती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वो जहां से स्रावित हो रही है वहीं पर अपना कार्य क्षेत्र को सीमित नहीं रखती, जबकि बहिःस्रावी ग्रंथियां जिस भाग पर उपस्थित है सिर्फ उसी भाग को वो प्रभावित करती है। तो इसी प्रकार से ये तीन ग्रंथियां हैं जिनके अंदर यकृत है, लार ग्रंथियां हैं और अग्नाशय ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि बही और अंतःस्रावी क्यों बताया गया, क्योंकि अग्नाशय ग्रंथि दोनों ही प्रकार का कार्य करती है, अंतःस्रावी का भी और बहिःस्रावी का भी। बहिःस्रावी के रूप में इससे अग्नाशय रस स्रावित होता है, जठर रस को ये स्रावित करने में, सॉरी जठर रस को स्रावित करने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। यकृत जो कि एक विशेष अंग होता है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत को कहा गया है, ये यकृत एक दो पाली रूप में
दो पल्ली का मतलब इस प्रकार से इसकी पालियां होती है, दो पल्ली के रूप में मौजूद होता है। लेकिन जब इसको हमें नजदीक से देखते हैं तब इसके प्रत्येक पल्ली दो और पालियों से बनी हुई नजर आती है। जब इसकी पूरी संरचना को हम नजदीक से देखते हैं तो इसके अंदर काफी सारी पालियां नजर आती है। इन पालियों के द्वारा रासायनिक पदार्थ को स्रावित किया जाता है और ये रासायनिक पदार्थ यहाँ से स्रावित होकर के, यकृत से स्रावित होकर के इस आमाशय के अंतिम छोर तक भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से इनके द्वारा एक विशेष कार्य संपन्न करवाया जाता है। इसकी संरचना को यदि हम देखें तो इसमें काफ़ी सारी छोटी छोटी पालियाँ बताई है, छोटी छोटी पालियाँ होती है। जब इन मुख्य पालियों की बात करते हैं तो हमारा जो ये बायां वाला भाग होता है इसमें इसकी जो उपस्थिति है वो कम दिखाई देती है, जबकि दाएं वाले भाग की तरफ इसकी स्थिति अधिक दिखाई पड़ती है। इस ग्रंथि के द्वारा कुछ पीतरस जैसे स्राव को स्रावित किया जाता है और ये पित्ताशय इसके अंदर यहाँ पर नीचे की तरफ डायफ्राम के पीछे की तरफ मौजूद होता है। इस पित्ताशय में पीतरस इसके द्वारा भेज दिया जाता है और वो पीतरस फिर आगे जा कर के ये जो पीतरस होता है ये पित्ताशय में इकट्ठा रहता है, यकृत के द्वारा ये बनाया जाता है और ये पीतरस को बनाने के लिए यकृत की जो छोटी छोटी पालियां होती है वो इसका सहयोग करती है। ये पीतरस भोजन को कुछ रासायनिक क्रियाओं को प्रेरित करने के लिए सहयोग प्रदान करता है। इसी प्रकार से लार ग्रंथियां जो मुख के अंदर ही पाई जाती है, ये लार ग्रंथियां भी तीन प्रकार की होती है। तीन कौन कौन से प्रकार हैं इसके वो अभी हम देखते हैं। लार ग्रंथियां करण पूर्व ग्रंथियां अधोजिह्वा अधोजिह्वा ग्रंथियां और तीसरा है अधोजंभ। ये लार ग्रंथियों में उपस्थित तीन संरचनाएं होती है, तीन ग्रंथियां मिलकर के इस संपूर्ण कार्य को करवाने में मददगार होती है। करण पूर्व ग्रंथियों का मतलब कि कान से आगे की तरफ अर्थात जो हमारे गाल होते हैं इनके अंदर की तरफ ये ग्रंथियां मौजूद होती है। अधोजिह्वा का मतलब जीभ के नीचे की तरफ, अधोजंभ का मतलब जीभ के साइड वाले भाग में पीछे की तरफ होता है। लार ग्रंथियां हैं अर्थात ये ऐसे ग्रंथियां हैं जो कि अपने रसायन को स्रावित करती है, जिसके अंदर एंजाइम भी होता है और श्लेष्मिक भाग भी होता है जो कि भोजन को श्लेष्मिक रूप में लसलसा बनाने में मददगार होता है। एंजाइम का मतलब कुछ ऐसे पॉलीसेकेराइड टाइप के एंजाइम होते हैं जो कि पॉलीसेकेराइड्स को छोटे सेकेराइड्स में तोड़ने का कार्य करते हैं। तीसरे इसकी ग्रंथि थी अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि से अभिप्राय कि ये अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों होती है, अंतःस्रावी और बहिस्रावी। अंतःस्रावी के रूप में इसके अंदर ग्लूकोगोन और इंसुलिन हार्मोन स्रावित होते हैं और बहिस्रावी के रूप में अग्नाशय रस जो कि इसमें जठर
रस जैसे रासायनिक पदार्थ का स्राव्य किया जाता है। इन दोनों हार्मोन के द्वारा रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण करने में सहायता दी जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि ये जो पाचन तंत्र हमने लिया है, इस पाचन तंत्र में पाचन की क्रिया कैसे होती है, उसके बारे में अभी एक सारणी के माध्यम से बताया जाएगा। अभी हमने लिया पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र। अब मानव पाचन तंत्र में पाचन की क्रिया को लेते हैं कि किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो पाचक रस होते हैं वो पाचन की क्रिया में सहायता प्रदान करते हैं। जैसे कि हम पाचन की क्रिया में हम देखते हैं कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, खनिज लवण है, विटामिन्स है, प्रोटीन्स है, काफ़ी सारी चीज़ें हम लेते हैं। उन सब का पाचन करने के लिए कोई ना कोई ऐसे कारक होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार से विभिन्न अंगों के द्वारा स्रावित होकर के और विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न कराने में मदद करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लेते हैं कि ये एक सारणी बनाई हुई है, इस सारणी में हम देखते हैं कि इस वाले भाग के अंदर पाचन रस को स्रावित करने वाले अंग या फिर उनसे संबंधित ग्रंथि है, जो कि इस भाग के द्वारा जो स्रावित रस है, रासायनिक पदार्थ है, वो विभिन्न प्रकार के यहाँ पर दिखाए हुए हैं। उन विभिन्न रासायनिक पदार्थों या एंजाइम के द्वारा ये कार्य किए जाते हैं। इन कार्यों के जो स्थल होता है या भाग होता है वो वहाँ पर लिखे हुए। सबसे पहले हम लेते हैं लार ग्रंथि। लार ग्रंथि के बारे में अभी बताया कि ये तीन प्रकार की होती है, तीन भागों में डिवाइड होती है, हमारे मुख्य गुहा के अंदर मौजूद होती है। इसमें दो प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं, टाइलिन और एमाइलेज। इनके द्वारा पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। उन पॉलीसेकेराइड्स में जैसे कि स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, इनको छोटे पॉलीसेकेराइड्स जैसे माल्टोज है, इनके अंदर इसको डिवाइड किया जाता है, माल्टोज। दूसरा, ये जो कारक होते हैं, जो कि रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनके ऊपर ये कार्य होता है, उस कार्य को संपन्न जहाँ पर करवाया जाता है वो मुख्य गुहा होती है, क्योंकि लार ग्रंथि हमारे मुख के अंदर ही उपस्थित होती है। दूसरा, आमाशय वाला भाग, आमाशय में जठर रस होता है, वो जठर रस के अंदर जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वो पेप्सिन और रेनिन होते हैं। पेप्सिन प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है, अर्थात प्रोटीन एक बड़ा अणु है, उसको छोटे अणुओं में तोड़ने का कार्य इसके द्वारा करवाया जाता है। ऐसे रेनिन है, रेनिन जो होता है वो जो शिशु होते हैं, दुग्धपान करने वाले शिशु, उन शिशु के द्वारा जो प्रोटीन के रूप में दूध लिया जाता है, उस दूध को पचाने का कार्य इस रेनिन के द्वारा किया जाता है। अर्थात वो एक प्रोटीन है और उस प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ने का कार्य इस रेनिन और पेप्सिन का रहता है। आमाशय के अंदर हम देखते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो इस आमाशय में उपस्थित होता है, उसका कार्य यही होता है कि ये जो पेप्सिन है या पेप्सिनोजन है, उसको सक्रियता प्रदान करने का कार्य करवाता है। इस आमाशय के अंदर जितने समय तक भोजन उपस्थित रहता है, उसको सड़ने से बचाने के लिए उसका कार्य रहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। लेकिन हम ये बाद में लेंगे, पहले हम पेप्सिन और रेनिन दो प्रकार के एंजाइम है, इनका कार्य क्या होता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ना, केसिन है उसको पैरा केसिन में तोड़ देना, अर्थात बड़े अणु को छोटे अणु में तोड़ने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। आमाशय है तो आमाशय रूपी संरचना पाचन तंत्र में हमने ली थी, जो ग्रास नली के नीचे का भाग होता है। फिर नेक्स्ट आता है अग्नाशय। अग्नाशय के अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ये एंजाइम विभिन्न प्रकार से विभिन्न पदार्थों के ऊपर कार्य करके अपनी क्रिया प्रणाली को संपन्न करवाते हैं। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं इसका एमाइलेज, जो कि एक एंजाइम है। इस एंजाइम का कार्य क्या होता है, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ना, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने का कार्य किया जाता है। अर्थात स्टार्च है एक बड़ा अणु है, इसको छोटे अणु अर्थात माल्टोस में
बदल देता है, परिवर्तित कर देता है। दूसरा है ट्रिप्सिन, इस ट्रिप्सिन के द्वारा प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ने का कार्य किया जाता है। तीसरा है काइमोट्रिप्सिन, ये भी इसी का ही एक प्रोएंजाइम होता है जो प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ने का कार्य करता है। फिर चौथा है कार्बोक्सी पेप्टाइड पेप्टाइडेज, ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो होता है ये भी क्या करता है, प्रोटीन को एमिनो अम्ल प्लस पेप्टाइड में तोड़ने का कार्य करता है। पहले पेप्टाइड बनता है और पेप्टाइड के बाद में एमिनो अम्ल का निर्माण होता है, अर्थात प्रोटीन से पेप्टाइड बनेगा और पेप्टाइड से फिर एमिनो अम्ल निर्मित होता है, अर्थात एमिनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। तो पुनः इस प्रोटीन को एमिनो अम्ल में तोड़ने का कार्य इस एंजाइम के द्वारा किया जाता है। फिर पांचवा है लाइपेज, लाइपेज वसा पर करने वाला कार्य होता है, यानी वसा को छोटे अणुओं में तोड़ने का कार्य करता है। छोटा अणु कौन सा, जिससे कि ये वसा बनी हुई है। वसा किससे बनी हुई है, वसीय अम्ल और ग्लिसराइड से बनी हुई होती है, ग्लिसरॉल, इन दोनों में इसको तोड़ देता है लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में। छठा जो है वो है न्यूक्लियेज एंजाइम, न्यूक्लियेज एंजाइम किस पर कार्य करता है, जो हमारे न्यूक्लिक अम्ल होते हैं आरएनए और डीएनए, राइबोन्यूक्लिक अम्ल और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, इनको ये पेप्टाइड्स ये जो है वो न्यूक्लियोटाइड से बने हुए होते हैं। तो न्यूक्लियेज एंजाइम की उपस्थिति से इनको पुनः न्यूक्लियोटाइड में तोड़ने का कार्य इस एंजाइम के द्वारा किया जाता है। और ये जो कार्य होता है अग्नाशय से जुड़ा हुआ, ये छोटी आंत के द्वारा किया जाता है। पाचन की क्रिया में आंत्रीय रस, आंत्रीय रस जो होता है उनमें आंत्र के अंदर सबसे ज्यादा पाचन की क्रिया होती है। अब आंत्र में भी उसके तीन भाग बताए थे, तीनों भाग में प्रत्येक जो अवयव है उसका पूरी तरह से पाचन की क्रिया इस आंत्र वाले भाग में होती है। अब आंत्र वाले भाग में जैसे माल्टोज है, उस माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है जो कि इस आंत्रीय रस में पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं माल्टेज। माल्टेज माल्टोज जो अवयव होते हैं उन अवयवों के ऊपर जो एंजाइम कार्य करते हैं वो उनके आगे एज लग जाता है, अर्थात बहुत ही इजी तरीका है इनको याद करने का कि माल्टोज है, माल्टोज माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए माल्टोज पर क्रिया हो रही है इसलिए माल्टेज एंजाइम है। लैक्टोज यदि मौजूद है तो लैक्टेज एंजाइम होगा जो कि इस लैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। सुक्रोज है तो सुक्रेज एंजाइम होगा जो कि इस सुक्रोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, अर्थात ये सैकेराइड्स है, बड़े सैकेराइड्स है और ये छोटा सैकेराइड है जो कि बड़े को छोटे में तोड़ने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। इसी में जैसे चौथा नंबर पर हम ले तो लाइपेज है जो कि लिपिड पर यानी वसा पर लाइपेज एंजाइम कार्य करता है और इसको वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, अर्थात इसमें बदल देता है, इन्हीं से मिलकर के ये बना हुआ होता है और इसी में इसको पुनः तोड़ दिया जाता है। ऐसे न्यूक्लिक अम्ल है जैसे आरएनए है या डीएनए है, इन पर न्यूक्लियेज जो अभी हमने लिया भी था न्यूक्लियेज एंजाइम होगा जो कि इसको न्यूक्लियोटाइड टाइड और न्यूक्लिक न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देगा और न्यूक्लियोटाइड से फिर एमिनो न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड्स में
कन्वर्ट कर देगा। न्यूक्लियोसाइड से प्लस से शर्करा, अर्थात डीएनए आरएनए है न्यूक्लियस एंजाइम की उपस्थिति से में पहले ये न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट होगा और फिर न्यूक्लियोटाइड पर फिर न्यूक्लियस एंजाइम होगा जो कि इसको न्यूक्लियोसाइड से, यहाँ टाइड है यहाँ साइड से है, और शर्करा में इसको कन्वर्ट कर देता है। ऐसे ही फॉस्फेटेज एंजाइम होता है जो न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोसाइड से नाइट्रोजन क्षारक और राइबो शर्करा में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। ये सारा कार्य छोटी आंत्र के अंदर ही होता है। फिर हमारा बचता है यकृत। यकृत के अंदर पीत लवण होता है, पीत लवण क्षारीय प्रकृति का होता है, इसके द्वारा वसा को वसीय अम्ल में तोड़ने का कार्य करता है। एक विशेष कार्य इसके द्वारा किया जाता है जिसको हम कहते हैं इमल्सीकरण। इमल्सीकरण से अभिप्राय होता है कि वसा जो होती है, इस वसा की बड़ी गोलिकाएं होती है, बड़ी गोलिकाएं, इनको छोटी गोलिकाओं में तोड़ने का कार्य किया जाता है। इसको कहते हैं वसा का इमल्सीकरण। ये वसा का इमल्सीकरण कहलाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो कारक होते हैं वो पाचन की क्रिया में किस प्रकार से सहयोग करते हैं। आई होप आप लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया होगा, समझने की कोशिश की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप जुड़े रहिएगा।